मुस्कुरा कर सनम ने देखा है, या के नजरे करम ने देखा है। वो से बंगाला आपके दर से, अक्से अजमेर हमने देखा है। बेशक यही बात है, मुस्कुराकर सनम ने देखा है, या के नजरे करम ने देखा है। गौसे बंगाला आपके दर से, अक्से अजमेर हमने देखा है। इसीलिए तो कहना है, फजल हक से गौस के मनसब पे वो मामूर है। रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर 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 है। मुलाहिदा फरमाइए, पहला बंद जिसमें हजरत शमसुद्दीन गौसे बंगाला का मुख्तसर तारुफ पेश कर रहा हूं, समाप्त कीजिएगा। रानीगंज जो शहर है, एक मगरबी बंगाल का है, वहीं एक आस्ताना सैयदा के लाल का। हजरत शब्बीर और शब्बर आपके अजदाद हैं, आप भी बगदाद वाले गौस की औलाद हैं। खानदानी गौसिया के एक चमकते आफ्ताब, पहरे तबलीग ओ इशाद आबसे थे इंदराब। हिजरते तो इम भी थी अजदाद की तकदीर में, बाद हिजरत आबसे इंदराब से कश्मीर में। खानकाहे इंदराबी आज भी मशहूर है, खित्ते कश्मीर जिसके नूर से मामूर है। आपके वालिद इसी खित्ते में थे पैदा हुए, जन्नते अर्जी पे जानो दिल से थे शैदा हुए। पाप अलमारूफ दादा पीर फखरुद्दीन है, वालिदा हजरत सकीना लायके तहसीन है। गौसे बंगाला है दादा पीर की औलाद में, उनकी पैदाइश हुई पटना अजीमाबाद में। हजरत गौसे बंगाला की पैदाइश अजीमाबाद, जो आजकल पटना कहलाता है, बिहार की राजधानी, इस जगह पर हुई थी। तो पैदाइश के बाद आपका नाम क्या रखा गया, मुलाहिज़ा कीजिएगा। शेख शमसुद्दीन उनका नाम नामी है, सुनो दूर तक मशहूर ये इसमें गिरामी है, सुनो। आपकी अपनी रियासत की अजीमाबाद में, यूं समझ लीजिए हुकूमत की अजीमाबाद में। हर तरह की फारिगुल बाली थी, सब खुशहाल थे,
आप बचपन से ही काफी नाजो नेमत में पले, खिदमते दीने नबी से बाप को फुर्सत न थी, परवरिश की जिम्मेदारी वालिदा के सर रही। आपकी उम्रे शरीफा हो गई जब 4 साल, वालदा को आपकी तालीम का आया ख्याल, ये खुदा का फजल था के सरबलंदी हो गई, कमसिनी में आपकी दस्तार बंदी हो गई। आपने हासिल किया इल्मो अमल में जब कमाल, रूए अनवर से उजागर हो गया जाहो जलाल। मरहबा सद मरहबा नूरे नबी के नूर है, मरहबा सद मरहबा नूरे नबी के नूर है, मरहबा सद मरहबा नूरे नबी के नूर है, मरहबा सद मरहबा नूरे नबी के नूर है। रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर है, रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर है, रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर है, रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर है। लीजिए अब एक करामत मुलहजा फरमाइए हजरत शमसुद्दीन गौसे बंगाला की। आपके एक भाई जिनका नाम है हजरत कमर, उनका ये वाकया मैं पेश कर रहा हूं, समाप्त कीजिएगा। आपके एक भाई हैं हजरत कमर कुतुबे बहार, जिनकी अजमत पे इलाके का इलाका है निसार, उनके अय्याम में अमल का पेश है ये वाकया, चाहते थे लूटना पैसो करम का वो मजा, एक अरसा हो गया था छोड़ कर निकले थे घर, ये किसी को ना पता था है कहाँ हजरत कमर, घर के एक एक फर्द को थी ये परेशानी जरूर, क्या पता किस हाल में है किस जगह छोटे हुजूर, एक खादिम एक दिन दरबार में हाजिर हुआ, गौसे बंगाला से उसको देखते ही ये कहा। एक खादिम एक दिन हाजिर खिदमत होता है और गौसे बंगाला से इस तरह अर्ज करता है, लेकिन उसके अर्ज करने से पहले ही हजरत शमसुद्दीन गौसे बंगाला उससे क्या कहते हैं, समाज कीजिएगा। आओ आओ ए बहादुर आ गए अच्छा हुआ, आए जिस नियत से हो पूरी करेगा वो खुदा, ये है सामाने सफर इसको उठाओ और सुनो, मेरे भाई को कहीं से ढूंढ लाओ और सुनो, वो कई दिन से है बेहोशी के आलम में पड़े, और हमारा हाल के हम लोग हैं गम में पड़े, एक जानिब को इशारा करके हजरत ने कहा, उस तरफ जाओ उसी जानिब है कमरुल औलिया, लेके वो सामा बहादुर मियां जब रुखसत हुए, और मसरूफ़े दुआ फिर देखिए हजरत हुए, ढूंढता फिरता था एक मखदूम को खादिम उधर, बे इरादा जा रहा था पांव उठते थे जिधर, 2 दिनों तक रात दिन चलता रहा खादिम मगर, वो ज़ईफ़ुल उम्र आया ना थका मांदा नजर, छान मारी खाक उसने दश्त और कोहसार की, जुस्तुजू जैसी भी करनी थी उसे सरकार की, चिलचिलाती धूप थी और दोपहर का वक्त था,
चीख उसके मुंह से निकली देख कर ये माजरा। उसने देखा एक बड़ा तालाब है उस जा जरूर प्यास के मारे मगर बेहोश हैं छोटे हुजूर। प्यास के दरिया से वो ज्यादा कहां कुछ दूर है, प्यास के दरिया से वो ज्यादा कहां कुछ दूर है, प्यास के दरिया से वो ज्यादा कहां कुछ दूर है, प्यास के दरिया से वो ज्यादा कहां कुछ दूर है। रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर है, रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर है, रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर है, रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर है। वो ज्यादा कहां कुछ दूर हैं, रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर हैं। जब हजरत शमसुद्दीन गौसे बंगाला ने बहादुर को भेजा, उन्होंने जाकर जो माजरा देखा तो चीख निकल जाती है। वो क्या देखते हैं, जहां पर हजरत छोटे हुजूर थे वहां एक अजदहा उनके पास है और वो ऐसा मालूम होता है कि इनको निगल जाएगा, लेकिन ये देखकर कादिम जो बहादुर थे उन्होंने क्या किया और फिर अजदहा ने क्या किया, समाप्त कीजिएगा ये करामत। और क्या देखा कि उनके पास है एक अजदहा जो हुजूरे पाक को अब तो निगल ही जाएगा। देख कर ये माजरा कादिम ने सोचा क्या करें, किस तरह इस अजदहा को जान से हम मार दें। कुछ न जब सूझा तो एक पत्थर उठा मारा उसे, चोट लगते ही तो जैसे चढ़ गया पारा उसे। छोड़कर हजरत कमर को जो वो पलटा ना गहा, दौड़कर भागे वहां से देखिए खादिम मियां। आगे आगे हैं बहादुर पीछे पीछे अजदहा, भागते हैं ठोकरे भी खा रहे हैं बारहा। जान भी अपनी बचानी थी उन्हें तो दौड़ कर, और जा सकते न थे हजरत को तनहा छोड़ कर। कब तलक वो दौड़ते आखिर हुए थक कर वो चूर, मौत सर पर थी खड़ी चिल्ला के बोले ऐ हुजूर। अल मदद ऐ गौसे बंगाला मदद को आइए, वास्ता शब्बीर शब्बर का करम फरमाइए। ये सदा सुनते ही जैसे एक फरिश्ता आ गया, आते ही आवाज दी रुक जा ठहर जा अजदहा। कादिम ने जब ये सदा बुलंद की तो ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई फरिश्ता आ गया हो, और ये आवाज सुनते ही जो अजदहा आपके पीछे दौड़ रहा था वो अजदहा एकदम रुक जाता है। और फिर क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। अजदहा ये हुक्म सुनते ही जहां था रुक गया, जो अभी गुस्से में था फौरन अदब से झुक गया। सर झुकाए बोल उठा वो अजदहा बादस सलाम, आप ना रोके तो इसका काम कर दूं मैं तमाम। मैं यहाँ सरकार के पहरे पे था बैठा हुजूर, इसने घायल कर दिया मुझको मेरा था क्या कसूर। अजदहा की बात सुनकर आप फरमाने लगे,
ऐ मेरे प्यारे मवक्किल, हाँ तेरी ही भूल है। अदा की शक्ल में तू जो इसे आया नजर, कत्ले मुझी कबल ईजा ये हुआ इस पे असर। अदा गायब हुआ सैफी ये सुनकर फैसला, आज भी जिंदा करामत का वहाँ है सिलसिला। आज भी हाजत रबाई के वहाँ दस्तूर है, आज भी हाजत रबाई के वहाँ दस्तूर है, आज भी हाजत रबाई के वहाँ दस्तूर है, आज भी हाजत रबाई के वहाँ दस्तूर है। रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर है, रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर है, रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर है, रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर है। अब हजरत गौसे बंगाला की कुछ और करामाते मैं पेश कर रहा हूं। जब आप रानीगंज तशरीफ लाए तो क्या हुआ वहां आकर, समाप्त कीजिए। गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, मोमिनो सुन लीजिए शाने विलायत पेश है। कैसे मोमिनो सुन लीजिए शाने विलायत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत 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 पेश है। सामईन हजरत गौसे बंगाला जब रानीगंज तशरीफ ले आए तो वहाँ लोगों को क्या क्या फैज हासिल हुआ, इस बंद में जनाब असलम सैफी क्या कह रहे हैं मुलाहजा कीजिएगा। रानीगंज तशरीफ लाए जब के शमसुल औलिया, अबुरे रहमत अल्लाह अल्लाह हर तरफ को छा गया, आपके आने की जो अतराफ में फैली खबर, आपकी खिदमत में आए लोग सारे दौड़ कर, खिदमत अकदस में जो आया हुआ वो कामयाब, वाकई फैजान रहमत से हुए सब फैजियाब, जिसने जो मांगा खुदा के फजल से वो मिल गया, फूल हर एक की मुरादों का यकीनन खिल गया, दाने दाने के लिए मोहताज था कल तक फकीर, गौस की नजरे करम से हो गया काफी अमीर, बांझने फरियाद की तो गोद उसकी भर दिया, आंख दी अंधे को कंगाली को राजा कर दिया, फूल महके बाग चहके फल रसीले हो गए, मुफलिसों की बेटियों के हाथ पीले हो गए, गमजदा जो आ गया लौटा वहां से हो के शाद, आपने राजा के दिल की भी किया पूरी मुराद,
नूर का पैकर बनाया इत्ताए बंगाल को, और कभी कलमा पढ़ाया मुंशी रामूलाल को। आपकी नजरे करम से ठीक रोगी हो गए, प्यास के मारे हुए सैराब जोगी हो गए। एक वली अल्लाह की सुनिए इनायत पेश है, एक वली अल्लाह की सुनिए इनायत पेश है, एक वली अल्लाह की सुनिए इनायत पेश है, एक वली अल्लाह की सुनिए इनायत पेश है। गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है। जब आपकी शोहरत चारों तरफ होने लगी तो लोग आप से मुरीद होने के लिए आने लगे और आपके दामाने रहमत में आ गए। उसके बाद मैं एक बच्चे का वाकया पेश कर रहा हूँ। जो बच्चा आपके पास आकर ये सवाल करता है कि या शमसू पिया, मैंने इंद्र सभा नाम की किताब में परियों का किस्सा तो पढ़ा है, परस्तानों की बात तो सुनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे नाचती गाती हुई परियां दिखलाएं, तो आपका बड़ा एहसान होगा। तो लीजिए मुलाहजा कीजिएगा उस बच्चे का ये वाकया। आम जब चारों तरफ उनकी करामत हो गई, सैकड़ों को आपसे सच्ची मोहब्बत हो गई, वो कशिश थी आपके पैगाम उल्फत में सुनो, लोग खींच कर आ गए सामाने रहमत में सुनो, हो गए थे आपके कुछ लोग तो सच्चे गुलाम, कर रही थी आपकी अजमत को ये दुनिया सलाम, आपके हलके में खींच के आते जाते थे मजीद, हो गए पीरो जवां कुछ नन्हे बच्चे भी मुरीद। एक दिन की बात है कि एक बच्चा बेशऊर हाथ दोनों जोड़कर कहने लगा के ऐ हुजूर, इंद्र सभा नाम की हमने पढ़ी है एक किताब, उसमें है परियों परस्तानों के किस्से लाजवाब, आज तक देखा नहीं हमने परी होती है क्या, आज तो हमको परी दिखलाइए शमसू पिया, आप हैं फैज़ो करम वाले करम फरमाइए, नाचती गाती हुई परियां हमें दिखलाइए। उनके ये बच्चे की ख्वाहिश कुछ खामोशी छा गई, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे लेकिन आ गई, आपने बच्चे को समझाया बड़े ही प्यार से, ऐ मेरे लखते जिगर ये सब ख्याली बात है। एक बच्चे की ये बचकाना सिहानकत पेश है, 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 गौसिया दरबार की जिंदा करामत 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 पेश है। Thank you.
बच्चा होता है वो जिद किए जा रहा है कि या शमसुपिया मुझे तो आप परस्तान और परियां दिखाइए। बच्चे की ये जिद देखकर आप क्या फरमाते हैं हुजूर गौसे बंगाला, मुलाहदा कीजिए। वो बहुत जिद्दी था, जिद करता रहा करता रहा, गौसे बंगाला ने आखिर तंग आकर ये कहा, ठीक है ठहरो जरा हो जाए मगरिब की नमाज, जान जाओगे मियाँ तुम भी परस्तानों का राज, तुम परस्तानों में जाकर सैर कर लेना जरूर, हाँ मगर करना ना देखो तुम वहाँ कोई फुतूर, अलगरज मगरिब से फारिग हो गए जब के शाह, खिदमते अक्दस में वो नन्हा सा बच्चा आ गया, इस तरह शाने करामत है दिखाई आपने, अपनी चादर देखिए उसको उड़ाई आपने, दफातन करने लगा बच्चा परस्तानों की सैर, खुशनुमा शहरों की गांवों की गुलिस्तानों की सैर, एक जगह उसको नजर आई जो एक कमसिन परी, सैर की ख्वाहिश जो थी सब रह गई उसकी धरी, देखते ही उस परी को दिल में ये आया ख्याल, जिंदगी हो जाए उसकी मुस्कुराहट से निहाल, ये ख्याल आते ही चाहत की कली सब खिल गई, तो पतन मेहमान को कम सिन परी वो मिल गई, दफातन दोनों के दोनों हो गए फौरन जवान, हो गई दोनों की शादी जिंदगी थी शादुमा, बाप ना समझे से ये तो हकीकत पेश है, बाप ना समझे से ये तो हकीकत पेश है, बाप ना समझे से ये तो हकीकत पेश है, बाप ना समझे इसे ये तो हकीकत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, बाबू ना समझे इसे ये तो हकीकत पेश है, बाबू ना समझे इसे ये तो हकीकत पेश है, बाबू ना समझे इसे ये तो हकीकत पेश है, बाबू ना समझे इसे ये तो हकीकत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, गौसिया दरबार।